नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर नाइन भारत टीवी में। आज हम बात करेंगे अपने देश के मध्य प्रदेश राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के बारे में। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद नामांकन प्रक्रिया हुई और प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह बटे। चुनाव चिन्ह बटने के बाद जिस तरीके से प्रत्याशी ताबड़तोड़ रूप में अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, सभी प्रत्याशी अलग अलग योजनाओं के साथ और अपने मैनिफेस्टो को बताते हुए लोगों को और गांव की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, या तो समय बताएगा कि आखिर किसकी होगी जहां की सरकार। आर नाइन भारत लगातार सभी प्रत्याशियों के ऊपर और उनके कवरेज और जनसंपर्क अभियान के बारे में आप सभी तक जानकारी पहुंचा रहा है। यह सिलसिला चलता रहेगा और प्रत्याशियों के जनसंपर्क अभियान हो और जनता की उस पर क्या राय है इसके बारे में सटीक विश्लेषण आपको आर नाइन भारत देगा। चलिए शुरू करते हैं यह सिलसिला। जिला पंचायत राजगढ़ वार्ड क्रमांक 11 से सदस्य पद हेतु आपके अपने जाने पहचाने सरल और सभी से सहजता से मिलने वाले पढ़े लिखे सेवाभावी धर्मनिष्ठ स्थानीय उम्मीदवार भैया बाबूलाल दांगी ठाकुर बबलू दांगी। जी हां, आपको बता दें, खानपुरा वाले जो कि जन जन के लाडले, जन जन के जाने पहचाने, क्षेत्रवासियों के चहेते, सरल युवाओं के दिलों की धड़कन, स्वभाव वाले स्थानीय शिक्षित सेवाभावी चुनाव मैदान में हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। जी हाँ, याद रखें, चुनाव निशान तीर कमान, जो कि मतपत्र में प्रथम स्थान पर है। इनका यह लक्ष्य है कि हर गरीब मजदूर परिवार को पीएम आवास मिले, पेंशन मिले, बीपीएल सूची में नाम जोड़ा जाए और हर गरीब को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इनका यही लक्ष्य है। राजनीति करना नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को घर घर जाकर मिल रहे हैं, जिसमें क्षेत्र की आम जनमानस का विश्वास और स्नेह भी झलक रहा है। आम जनता भी इन्हें मिलकर समर्थन दे रही है। इनका यह निवेदन है कि समस्त वार्डवासी उन्हें चुने और हर पल उनके सुख दुख के साथ रहेंगे। आप सभी का आशीष स्नेह, आपका बेटा, आपका भाई, आपका स्थानीय उम्मीदवार बाबूलाल दांगी ठाकुर बबलू दांगी खानपुरा वाले। 8 जुलाई को मतदान है। चुनाव चिन्ह याद रखें तीर कमान, भैया बाबूलाल दांगी उर्फ ठाकुर बबलू दांगी। क्षेत्र में जा रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, सभी लोग जा रहे हैं, पर मेरा प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार निरंतर मैं उन लोगों के बीच में बना रहूं और आता जाता रहूं, उनकी समस्याओं का निराकरण करता रहूं, ये मेरा मेन उद्देश्य है। जनता का आपको फुल सपोर्ट मिलता है? फुल सपोर्ट, पूरे क्षेत्र में 103 गांव में 31 पंचायत का हर व्यक्ति का, जन जन का आशीर्वाद, माता बहनों का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का, वरिष्ठ जनों का, सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है, इसने मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित है मैं जीत करके और वार्ड नंबर 11 से सदस्य पद के रूप में प्रतिनिधित्व करूँगा। जी, कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं सर आप? मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 11 से सदस्य पद प्रत्याशी हूँ जी, और मेरे वार्ड में 31 पंचायत आती है जी, जिसमें करीबन 103 गांव आते हैं जी। और कई सालों से जो इस वार्ड की जो दशा दिशा कई ऐसे लोगों ने मतलब कर रखी है कि जहाँ तक दूर दराज के गांवों में कोई पहुँचता नहीं है, यहाँ का प्रतिनिधित्व उनके हाथ में मिल जाता है जी, और गरीब मजदूर किसानों तक कोई पहुँचता नहीं है जी, उस मुद्दे को लेकर, उस लड़ाई को लेकर मैं आगे आया हूँ और पूरे क्षेत्र का जन समर्थन मुझे मिल रहा है जी। और आगे चल के जो नई सोच, नया विकास जी, एक स्लोगन दिया है लोगों ने, तो मैं एक नई सोच लेकर के आया हूँ, नया विकास करेंगे जी। और हर मतलब हर गाँव में, हर क्षेत्र में जहाँ पे ये रोड और वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, गरीबों की बस्तियाँ नहीं बन रही है, कॉलोनियाँ नहीं मिल रही है, उन चीज़ों को हम संशोधित करके अगर मैं जिला वार्ड से, अगर 11 नंबर वार्ड से चुन करके आता हूँ तो हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूँगा और मेरे तक, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, हर गरीब तक हर सुविधाएँ पहुँचेगी और